मॉर्निंग स्टूडेंट, बेटा ये क्या है? ये है हमारी मटर माला। हमने स्कूल में इसका यूज़ किया हुआ है ना, कि मटर माला का यूज़ कैसे करते हैं। तो कुछ बच्चों को मटर माला के बारे में नहीं पता, तो आज मैं मटर माला के बारे में बताऊंगी। बेटा इसको गिनती के लिए यूज़ किया जाता है, इसको गिनती करने में आसानी होती है, हम चीज़ को जल्दी गिन लेते हैं। वरना हमें गिनने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 2 3 ऐसे गिनते हो ना। लेकिन ये सारी जो संख्या है इसको हम जल्दी कैसे गिनेंगे मटर माला के जरिए। इसमें बेटा देखो दो रंगों का प्रयोग किया गया है, सफ़ेद और लाल। तो जो रंग है बेटा, ये एक रंग जो आता है आपका, ये 10 की संख्या देता है। मतलब एक बंडल है जो 10 का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का बंडल आपको ऐसे गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपको मालूम चलता रहेगा कि ये कितनी है हमारे पास, 10। ये 10, 10 में 10 जुड़े 20, 20 में 10 जुड़े 30, 30 में 10 जुड़े 40, और 40 में 10 जुड़े 50। तो ये हमारे कितने हैं, 50। अगर मैं आपको कहती हूँ कि 20 गिनो, तो आपको गिनने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 10 तो आपको सीधे के सीधे पता है। 10 आपको पता है कि बंडल कितने का है, 10 का। 10 ये हो गए, और 10 में 10 जुड़े हो गए 20। इसमें आपको आसानी से गिना जाएगा। और अगर अब आपको 22 जोड़ने पड़ गए, तो 20 के अंदर दो और जोड़े, 1 2 हो गए 22। और 22 की जगह आपको 25 गिनना पड़ जाए, 22 तो है ही है, कि 3 और डालेंगे हो गए 23 24 25। ऐसे हम इसकी आसानी से गिनती कर सकते हैं। और इसका एक और आसान तरीका बेटा जो है गिनने का, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर मैंने मानो कि मैंने आपको बोल दिया कि आप गिनो 11, तो 11 गिनने के लिए आपको क्या करना है, जो संख्या मैडम ने आगे लिखी है, मतलब कि ये उतना बंडल होना चाहिए और पीछे वाली संख्या के खुले होने चाहिए, मतलब कि एक बंडल और एक खुला। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि बंडल कितने का है, एक रंग का पूरा क्या हुआ, बंडल हुआ। तो एक बंडल और एक खुला, ये हो गया खुला बेटा। तो ये हमारे हो गए 11। चाहे आप गिन सकते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बंडल एक खुला हमारे हो गए 11। और अगर मानो मैंने अगर आपको ये कहा कि आप गिनो 2 और 5 25, 2 और 5 25, मतलब जो पहले लिखा मैडम ने उतने बंडल और बाकी खुले, मतलब 2 बंडल 5 खुले। 2 बंडल कैसे देखोगे बेटा, 1 बंडल 10 का, 1 बंडल और गया, 2 बंडल और खुले कितने हैं बेटा, 5 खुले। 5 खुले दिखाने हैं ना, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे बेटा कितने हो गए, 2 और 5 25। ऐसे ही अगर मैं आपको कहती हूँ 3 और 3 33, आप 33 गिनो, तो आपको फटाफट कैसे गिन पाओगे, आगे वाले कित क्या, आगे वाले बंडल पीछे वाले खुले। तो कितने बंडल, 3 बंडल। 10 का 1 बंडल बेटा, 1 बंडल लिया, फिर आपने 2 बंडल लिए, फिर आपने 3 बंडल लिए, 3 बंडल लिए, ये हो गए 30। और खुले कितने बोले मैडम ने, 3, 1 खुला 2 खुला और 3 खुला, और ये हमारे हो गए 33। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखो बेटा, मानो कि मैंने आपको बोला 4 और 2 42, आगे वाला बंडल, 4 बंडल 2 खुले, 1 बंडल, फिर आपके पास आया 2 बंडल, 3 बंडल, और ये हुए आपके 4 बंडल। 4 बंडल और देखो नीचे, 4 बंडल और 2 खुले। तो आपने इसके अंदर क्या डालना है, 1 और 2। तो आपके पास क्या हो गया बेटा, 4 बंडल और 2 खुले, मतलब 42। 4 का 40 हो गया बेटा, और 2 खुले हो गए 42। 4 और 2 42। तो इसके जरिए बेटा हम
एक बंडल विधि द्वारा भी मटर माला का पूरा उपयोग करते हैं। मैं बंडल विधि के बारे में भी आपको एक दो दिन में बताऊंगी। तो हम मटर माला को कैसे यूज़ करें, बंडल विधि द्वारा 10-10 का एक बंडल होता है, जुड़ता है ना, ये हमारा 10-10 का एक बंडल था, 10, 20, 30, 40 और 50, और इन्हीं 50 में से आप 11 को आसानी से, जैसे कि 10 किया और उसमें एक और डाल दिया, हो गया 11। जो मैडम आपको संख्या दे रही है, मानो कि आपको मैंने संख्या दे दी, मान लो आसानी देती हूँ बेटा, मैंने आपको संख्या दे दी मैंने 21 संख्या दी, दो बंडल एक खुला, फटाफट आप देख सकते हो, एक दो, दो बंडल और एक खुला, हो गए आपके 21, वरना आपको 21 गिनने में बहुत देर लगती। तो ये विधि बेटा आपके बहुत काम की है, अगली विधि में भी आपको बंडल द्वारा सिखाऊंगी। तो आज हमने कौन सी विधि द्वारा गिनती करना सीखा, आज हमने अपनी गिनती सीखी है मटर माला द्वारा गिनती करना सीखा है हमने।